उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा की शुरुआत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कवन माव्या ने शीतकालीन चारधाम यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा 2013-14 से चलती आ रही है। सन 2014 से हरीश रावत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम में बसों में होम स्टे में छूट देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस के द्वारा तो उस समय लोकल उत्पादों जैसे मंडवा और झंगुरा जैसे स्थानीय उत्पादों से प्रसाद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा था। इसके आगे उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है। वहीं इस विषय पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सीएम धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार और बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशी मठ आ चुके हैं और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो या सब्सिडी देने का मामला रहा हो खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। बकायदा उस समय जो हमारे लोकल उत्पाद है जैसे झुंगरा है या मंडवा है इसका प्रसाद बनाने की बातें भी उस समय चल रही थी। तो ये है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं लेकिन पहली बार की गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारे शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावना है उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है।